Good evening to all of you. Good evening to all of you. Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, Jai Hind, Bande Mataram. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए. खैर, रात के 9 बजे नाइट कर्फ्यू लग रहा है और आज से तो IPL भी शुरू हो रहा है, तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग तो IPL में बिजी होंगे. खैर, अभी मैंने क्लास शुरू भी नहीं की, किसी ने डिसलाइक कर दिया है. खैर, उसका अपना अलग ही कुछ होगा जो मुझे शायद जो भी प्रॉब्लम हो. खैर, हम लोग जिस बारे में बात करने वाले थे वो टॉपिक आपको दिख रहा होगा, मशीन इनपुट आउटपुट के बारे में बात करेंगे. आपको कल भी बताया था, तबीयत थोड़ी नासाज है तो आवाज़ हो सकता है थोड़ा धीरे हो, लेकिन आप लोग के लिए मतलब भर का रहेगा. तो आवाज़ मेरी क्लियर है कि नहीं है एक बार ये कमेंट करके ज़रूर बता दें मुझे. गुड इवनिंग रीति यादव, सुरेंद्र प्रेमी, जय हिंद एवरीवन, गुड इवनिंग. सुरेंद्र प्रेमी ने एक शिकायत करी है कि उनका नाम सुरेंद्र है, मैं उनको सुरेंद्र प्रेमी क्यों कहता हूँ. तो मैं उसके लिए बिल्कुल, आज जिस प्लेटफॉर्म पे मैं आपका नाम बिगाड़ा हूँ उसी प्लेटफॉर्म पे मैं आपका नाम सुधारता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ. ठीक है, सुरेंद्र प्रेमी आपका नाम है, भगवान करे ऐसे ही प्रेम फैलाइए आप. यहाँ पर आप मेरी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं और अभी तक यदि आपने मुझे अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया है तो आप जाकर पहले अन अकेडमी पर मुझे फॉलो कर लें. यहाँ पर आप मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को देख सकते हैं और इसी पे आप मेरा रेफरल कोड भी देख पा रहे होंगे. ये मेरा रेफरल कोड है, इसका यूज़ क्या है, इसका प्रयोग क्या है, वो मैं आगे बताऊँगा. और मैं आपको बता दूं कि आज आपका महत्वपूर्ण टॉपिक मशीन इनपुट के बारे में मैं बात करने वाला हूं. कल हमने कुछ बेसिक बातें करी थी और कल बच्चों को पसंद भी आई थी क्लास. और मशीन इनपुट, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है आपके आने वाले परीक्षा के लिए. और जो बच्चे UPSI की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही समझो एक रामबाण है ना. एक गाना होता है ना, सांसों की ज़रूरत है जीने के लिए, वैसे वाला है. UPSI को निकालने के लिए मशीन इनपुट की ज़रूरत है. चलिए अब बात करते हैं, लेकिन हम मशीन इनपुट पे जाने के पहले आपको थोड़ा सा अन अकेडमी के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ये मेरा दायित्व तो है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ा रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म के लाभ के बारे में आपको बताऊँ. और ये आपका भी फ़र्ज़ है कि आप जानिए कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं वो क्या है. तो पहली बात तो, अगर आप UPPCS और UPSSC के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस समय सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पूरे इंडिया का ऑनलाइन अन अकेडमी है. और अन अकेडमी पर जब आप आ जाते हो तो आपको कई सारे अनलिमिटेड वीडियो लाइव भी मिलती हैं और रिकॉर्डेड भी मिलती हैं. और ऑनलाइन अगर मैं बात करूं, अभी तक इंडिया का सबसे टॉप एजुकेटर जो हैं, इंडिया के जो बड़े टीचर हैं, वो आपको अन अकेडमी पर ही पढ़ा रहे होंगे. जैसा कि मुझे ही देख लो. अब बात करते हैं यहाँ पर, तो परसों रविवार है इसलिए आज इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं. ये स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि बिल्कुल फ्री होने वाला है. और ये जो टेस्ट है स्कॉलरशिप, ये संडे को होगा दोपहर 1 बजे. और इसका जो एनालिसिस है, इसके जो बारे में जो सवाल आए हैं, उसके जो जवाब हैं, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो शाम को 7 बजे मुकेश सर एनालिसिस करेंगे. इसके टेस्ट में जो भी बच्चा रैंक पाएगा, जो भी इनमें से कोई रैंक पाता है, उसको प्राइज़ भी मिलेगा 100% स्कॉलरशिप, 75%, और इसी प्रकार वो स्कॉलरशिप बटी हुई है. तो आप भी इसके हकदार बन सकते हैं. आपको कुछ नहीं करना है, संडे को अन अकेडमी ऐप पर जाकर ये स्कॉलरशिप टेस्ट ज्वाइन कर लेना है. फ्री है, कोई इसका चार्ज नहीं है. इसके साथ साथ जब आप अन अकेडमी पर जा ही रहे हो तो अन अकेडमी पर एक ऑप्शन आता है प्लस. अन अकेडमी पे प्लस के फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो जब आप प्लस पे आ जाते हो तो प्लस के अपने कुछ और बेनिफिट्स होते हैं. क्रांति वीर जी नंबर मांग रहे हैं. बेटा, नंबर की आवश्यकता नहीं है. आपको जो भी डाउट है आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है, मैं आपके रिस्पॉन्स दूंगा. और अन अकेडमी ऐप पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं तो मैं वहाँ पर भी आपसे बात कर सकता हूँ. पर्सनल मेरा नंबर कोई सच कोई वो बात नहीं है. ठीक है, बच्चे के पास, किसी बच्चे के पास होगा अगर तो आप ले सकते हैं.
यहाँ पे अपने कंफर्ट में आप पढ़ सकते हैं। पहली फायदा तो ये है कि जब आप अनअकैडमी प्लस पे आते हो तो अपने कंफर्ट में पढ़ सकते हैं, लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हैं, अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और जैसा माहौल चल रहा है कि कोरोना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको तो मैं यही हिंट दूंगा कि बाहर जाके कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। घर पे जब आपके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इतने बड़े बड़े टीचर आपको वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आपको कहीं अन्य जगह पे जाके पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप यहीं पे पढ़िए अनअकैडमी पे, और यहाँ पर आपके पूरे एग्ज़ाम की तैयारी करा दी जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर आपके रीजनिंग का कोर्स पूरा कर दूँगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे उनके भी क्लियर किए जाएंगे, और आपके लाइव हम टेस्ट सीरीज़ भी आपको देंगे, जिससे आपके आप कितना आप अच्छी प्रिपरेशन कर पा रहे हो, ये सब चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अनअकैडमी पे नया जो बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, अगर हम उन बैचेस के बारे में बात करें, तो 5 अप्रैल से हमारा एक बैच लॉन्च हुआ है, 60 दिन का जीएस प्रीलिम का रिवीजन का बैच है, जल्दी जल्दी क्विकली बताते हैं। और एक और बैच लॉन्च हुआ है, सारथी करंट अफेयर यूपी स्पेशल का बैच है, ये हमारे एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। ये सारे बैचेस आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलेंगे। इसी तरीके से मिशन खाकी करके एक बैच लॉन्च हुआ है, जो एसआई स्पेशल एसआई के लिए बैच बना है, और ये हमारे एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे एसआई के लिए। और 7 अप्रैल से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए 12 महीने का एक बैच लॉन्च किया गया है, और ये हमारे टॉप एजुकेटर है जो आपको यूपीपीएससी की तैयारी कराने वाले हैं। उसके अलावा जो बैचेस चाहिए, चाहे आप अपर सबऑर्डिनेट का कर रहे हो, लोअर पीसीएस का कर रहे हो, आरओ एआरओ का कर रहे हो, एसआई का कर रहे हो, चाहे आप पेट का कर रहे हो, या इनमें से आप कोई भी कोर्स ले रहे हो, तो जब आप अनअकैडमी प्लस पर आ जाते हो तो ये सारे के सारे जो बैचेस हैं बेटा वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब सवाल यह है कि प्लस पे कैसे आए, तो अनअकैडमी प्लस पे आने के लिए आपको ये छोटा सा अमाउंट है जो आपको पे करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। 12 महीने का अगर चाहते हो तो 7,000 रुपये, और 24 महीने का चाहते हो तो 8,400 रुपये। इसमें भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप ये मेरा रेफरल कोड जो मैंने शुरू में बताया था, ये मेरा रेफरल कोड है, अगर आप इसको यूज़ कर लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और डिस्काउंट के बाद ये आपकी फ़ीस हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो ये रहा आपको अनअकैडमी के बारे में। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, मशीन इनपुट और आउटपुट। जल्दी से एक बार सब लोग लाइव आ जाइए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। गुड इवनिंग मितेंद्र कुमार जी। हाँ, कल मेरी क्लास रुक गई थी ड्यू टू सम प्रॉब्लम। चलिए जल्दी से आ जाइए सब लोग लाइव फटाफट। जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। रीति यादव जी, जी हाँ बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग आ जाएं, सब लोग जल्दी जल्दी आ जाएं, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आप लोग भी शेयर कर दो बेटा एक बार शेयर कर दीजिए आप सब लोग। चलिए, गले में प्रॉब्लम है कि मैं आपको अगर अपनी कहानी बता दूं तो आप थोड़े से दंग रह जाएंगे। मैं सुबह से लगभग 102-103 डिग्री फीवर में था, और अगर मैं अभी भी बताऊं तो मैं अभी भी फीवर में ही हूँ, बुखार अभी भी है, डॉक्टर ने रेस्ट भी बोला है, और लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। होता क्या है ना, टीचर के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है, जैसे डेली रूटीन में हमें पढ़ाने की आदत है, तो आप लोग से जब तक हमारी मुलाकात, देखो होता क्या है कि आप जिससे बहुत प्यार करते हैं ना, जिससे आपको मोहब्बत होती है, तो उसको देख भर लेते हैं या उससे बात भर हो जाती है, तो थोड़ा सा दिल को आराम मिलता है। तो हमारे जीवन में वो आप ही लोग हैं जिससे हम लोग बहुत बेहद प्यार करते हैं, मैं अपने स्टूडेंट से बेहद मोहब्बत करता हूँ, तो मेरा मन करता है, मैं चाहे जितना भी बीमार रहूँ, अगर बहुत ऐसी ही मजबूरी है कि मैं क्लास नहीं ले पाऊँ
तभी मैं नहीं लेता हूँ एज सच, वरना मेरा खुद मन करता है कि आप लोग से मिलूँ, आप लोग से बात करूँ। अब चूंकि यहाँ पे मुलाकात तो नहीं हो पाती, लेकिन मैं आप लोग के कमेंट्स देख के आप लोग से बात कर लेता हूँ ना, इसी में मुझे बड़ा आराम मिलता है। तो ये मेरे लिए दवा से डबल का काम करता है। और प्लस मुझे पता है कि आप लोग की दुआएँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दवाओं से, ठीक है? तो आप लोग ज़्यादा दुआ करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं, कोरोना टेस्ट हो भी गया, वो है भी नहीं, तो आप निश्चिंत रहिए। अभी मैं उस बीमारी से नहीं जूझ रहा हूँ, है ना, उस जो आपको ये गफलत में मत रहिए कि कुछ कोरोना शायद, ऐसा कुछ नहीं है मुझे। मैंने टेस्ट करा लिया, नाउ आई एम फाइन। बस थोड़ा सा फीवर है, और जो सीजनल फीवर होता है आप ये कह सकते हैं कि सीजनल फीवर। चलिए बेटा, बातें होती रहेंगे, टॉपिक पे आते हैं, मशीन इनपुट पे। कल हमने आपको बताया था कि मशीन इनपुट दो टाइप का होता है। पहला तो मैंने आपको बताया था कि एंडिंग मॉडल, और दूसरा मैंने आपको बताया था नॉन एंडिंग मॉडल। याद आ रहा है कुछ कल की क्लास में? कल जहां से आपकी क्लास बंद हुई थी, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? यहीं से स्टार्ट हुई थी। मैंने कुछ नॉन एंडिंग मॉडल पे आपको क्वेश्चन भी कराया था। तो नॉन एंडिंग मॉडल के बारे में मैंने आपको कल बताया था, और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि सो ऑन लिखा होता है, ठीक है? और अगर आप क्वेश्चन के नीचे सो ऑन पा जाते हो तो इसका मतलब वो एंडिंग मॉडल है। एंडिंग मॉडल के बारे में अभी मैंने बात नहीं करी है, वो मैं आज आपसे बात करूंगा कि एंडिंग मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन उसके पहले नॉन एंडिंग मॉडल को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। कल तो मैंने आपको बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर समझाया था, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे नॉन एंडिंग मॉडल को। तो हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग क्या डालना है आपको? जैसे मान लो मैंने एक इनपुट दे दिया, और देखते हैं कि आप लोग कितना समझ पाए थे कल की क्लास में, उसके आगे हम लोग ले चलेंगे। मान लो आपको इनपुट दे दिया, और देखना है कि कल की क्लास में आप कितना समझ पाए थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मान लो आपको दे दिया, सी इज वेरी क्यूट एंड आई लव, ठीक है? सी इज वेरी क्यूट एंड आई लव, आगे आप जोड़ लेना अपने हिसाब से। स्टेप नंबर वन की अगर मैं बात करूं, स्टेप नंबर वन की बात करूं अगर, तो लिखा हुआ है कि वेरी इज सी, फिर लिखा है क्यूट लव आई एंड, फिर स्टेप नंबर टू लिखा है एंड आई लव क्यूट सी इज वेरी, फिर स्टेप थ्री दिखा हुआ है, फिर स्टेप थ्री दिया हुआ है लव इज एंड क्यूट वेरी इज सी। स्टेप नंबर चार दिया है, सी इज वेरी सी इज वेरी क्यूट एंड आई लव, ठीक है? जय हिंद, जय हिंद बेटा, जय हिंद। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, अगर क्वेश्चन को देखिए तो यहां पे सी इज वेरी क्यूट एंड आई लव दिया है, फिर वेरी इज सी क्यूट लव आई एंड दिया है, फिर एंड आई लव क्यूट सी इज वेरी दिया है,
फिर लव आई एंड दिया है, क्यूट वेरी इज सी दिया है, फिर सी इज वेरी क्यूट एंड आई लव। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहला स्टेप इनपुट जो है वो स्टेप नंबर 4 के बराबर है। आप ध्यान से देखिए, जो इनपुट है वो स्टेप नंबर 4 के बराबर है। एकलव्य राज जी, अजीत कश्यप जी, सब लोग यहां से, यहां तो ध्यान समझ में आया? ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? जो इनपुट है वो स्टेप नंबर 4 के बराबर है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, और वो आपसे क्या पूछेगा, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि फाइंड स्टेप नंबर 89। अब इस तरीके के सवाल अगर आ जाते हैं तो क्या करते हैं, यहां पे क्या पूछ लिया बेटा, फाइंड स्टेप नंबर 89। अगर हम कल वाले लॉजिक पे बात करें तो मैंने कल आपको सिखाया था कैसे एक एक स्टेप हम लोग निकालते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, तो आज मैं शॉर्ट ट्रिक पे ही बात करने वाला हूँ और वो छोटे छोटे ट्रिक आपको बताऊँगा जिससे आप इन क्वेश्चन को जल्दी कर पाएँ। ठीक है, आज की क्लास में यही डिस्कस होने वाला है कि हम शॉर्ट ट्रिक कैसे। अब बेटा आप देखोगे, हमें स्टेप नंबर 89 निकालना है, और आपको ये भी मालूम है कि जो इनपुट है, आप इनपुट देखिए ध्यान से, सी इज़ वेरी क्यूट एंड आई लव, चौथा वाला देखिए सी इज़ वेरी क्यूट एंड आई लव, तो वन इनपुट स्टेप नंबर 4 के बिल्कुल बराबर है। अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करूं तो आप ये कह सकते हो कि अगर इनपुट जो है वो स्टेप नंबर 4 के बराबर है तो स्टेप नंबर 1 जो होगा वो स्टेप नंबर 5 के बराबर होगा। बोलो ये बात समझ में आई? ठीक है, इस तरीके से अगर मैं कहूं कि स्टेप नंबर 2 जो है वो स्टेप नंबर 6 के बराबर होगा, अगर मैं कहूं कि स्टेप नंबर 3 जो है तो स्टेप नंबर 7 के बराबर होगा, फिर मैं आपसे कहूं कि स्टेप नंबर 4 जो है वो स्टेप नंबर 8 के बराबर होगा, और आप ये भी कह सकते हो कि स्टेप नंबर 4 जो है वो इनपुट के बराबर है तो स्टेप नंबर 8 भी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इनपुट के बराबर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर 4 स्टेप इनपुट के बराबर है तो 8वां स्टेप भी इनपुट के बराबर होगा। ठीक, अगर मैं इसी लॉजिक को फॉलो करूं मेरे बच्चों, अगर मैं इसी लॉजिक को फॉलो करूं तो आप ये भी कह सकते हैं कि स्टेप नंबर जो है 12 वो भी इनपुट के बराबर होगा। भाई अगर इसी लॉजिक को फॉलो करें, स्टेप नंबर जो 16 है वो भी इनपुट के बराबर होगा, स्टेप नंबर जो 20 है वो भी इनपुट के बराबर होगा। इससे मुझे ये समझ में आ गया कि जब इनपुट स्टेप नंबर 4 के बराबर है तो जो 4 के मल्टीपल वाले स्टेप होंगे वो सब के सब इनपुट के बराबर होंगे। बिल्कुल होंगे कि नहीं होंगे? इस हिसाब से अगर मुझे स्टेप नंबर 89 निकालना है तो मैं स्टेप नंबर 89 को किससे भाग दे दूं? 4 से भाग दे दूं। अब मेरी बात ध्यान से ये सुनिएगा कि 4 से भाग देने कोई फार्मूला नहीं है, 4 से हम इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि हमारा जो इनपुट है वो स्टेप नंबर 4 के बराबर है। अगर बाई चांस हमारा इनपुट स्टेप नंबर 5 के बराबर आता तो हम ये जो भाग है वो 5 से देते, अगर हमारा इनपुट स्टेप नंबर 6 के बराबर आता तो ये जो भाग है वो हम 6 से दे रहे होते, या हमारा इनपुट अगर स्टेप नंबर 3 के बराबर आता तो हम ये जो भाग है वो 3 से दे रहे होते। कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों कि ये जो आपने 4 निकाला है ये 4 कोई फार्मूला नहीं है, बस इसलिए है क्योंकि हमारा जो इनपुट है वो स्टेप नंबर 4 के बराबर है। ये जिस स्टेप के बराबर होगा हम उसी से इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? और जरूरी नहीं है कि हमेशा 4 स्टेप जरूरी नहीं है कि हमेशा 4 स्टेप में ही बराबर आए, 5 में भी आ सकता है, 6 में भी आ सकता है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम 4 से अगर हम इसको भाग देते हैं तो आप देखोगे 4 22 बार जाएगा 88 और रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा 1।
ठीक, तो इसका मतलब जो रिमाइंडर बसता है वही स्टेप हमारा आंसर होता है। तो अगर स्टेप नंबर 89 जो है वो किसके बराबर होगा, आप लिख सकते हैं स्टेप नंबर 89 इज इक्वल टू स्टेप नंबर 1। अगर मुझसे पूछा है स्टेप नंबर 89 क्या है, तो यही वाला जो स्टेप है बेटा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ईमानदारी से बताइए कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। जल्दी से बता दीजिए बेटा सब लोग, जल्दी से बेटा एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब लोग शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग जुड़ जाओ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा? अजीत कश्यप जी सबको क्लियर है? रश्मि रानी जी हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो रहा है। एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, अगर आपको समझ में आ गया है तो। हाँ यार अब बीमारी पे बात मत करो प्लीज। चलिए अब मैं आपको इस पे क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर बात करते हैं इस पे। चलिए इनपुट दिया गया है, इनपुट दिया गया है कि आई लव माई इंडिया वेरी मच, आई लव माई इंडिया वेरी मच। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है? स्टेप नंबर 1 दिया गया है बेटा कि वेरी माई, वेरी माई आई लव इंडिया मच। स्टेप नंबर 2 दिया है इंडिया आई वेरी माई लव मच, और यहां पे लिख दिया सो ऑन। ठीक है ये क्वेश्चन नोट कर लो फिर मैं आपको बताता हूं। तो हमें क्वेश्चन बोला गया, पहला क्वेश्चन कि यदि इनपुट है सी से नो देन इट यस, ठीक, फाइंड स्टेप नंबर 7। ठीक है ये सवाल आपको मान लो दे दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा सोच के बताइए जरा। स्टेप नंबर आपसे 7 पूछ रहा है। ठीक है ये मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट दे दिया और इस पे बेस्ड आपसे एक सवाल पूछ लिया कि यदि ये इनपुट होता तो स्टेप नंबर 7 क्या होता है। ये मशीन के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। ये इनपुट है बेटा, ये इनपुट है, आप जैसा देख पा रहे हैं यही इनपुट है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं, इस सवाल को ध्यान से समझते हैं एकदम बेसिक से। ठीक है
इंडिया आई वेरी माय। अब अगर जरा ध्यान से देखा, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप सीधे सीधे क्या करते हैं बेटा, इन क्वेश्चन में चाहे जितना भी इनपुट दिया गया हो इनकी नंबरिंग कर लीजिए। जैसे मैंने आई को नंबर वन दे दिया, लव को दो, माई को तीन, इंडिया को चार, वेरी को पाँच, मच को छः। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने अल्फ़ाबेट लिखना ही बंद कर दिया, मैंने सीधा सीधा नंबर्स में बात करने लगा। नंबर्स का फ़ायदा क्या होगा मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा नंबर्स का फ़ायदा क्या है। मैंने क्या किया, जितने भी इनपुट दिए गए उनको मैं नंबर में रख लिया। अब आप देखो यहाँ पे वेरी आ गया, वेरी का मतलब कौन सा नंबर है बेटा, पाँच नंबर, तो यहाँ पे पाँच नंबर आ गया। ठीक, फिर माई आ गया, माई का मतलब क्या है, तीन नंबर, तो यहाँ पे तीन नंबर आ गया। ठीक है, फिर आई, आई का मतलब एक नंबर, लव का मतलब दो नंबर, इंडिया का मतलब चार नंबर, मच का मतलब छः नंबर। इससे मुझे ये समझ में आया बेटा कि इस वाले को उठाना है और फिर पीछे, मतलब पीछे से दूसरे को, फिर चौथे को उठा लेना है। हम देखेंगे क्या यही काम एग्जामिनर ने अगले स्टेप में भी क्या ऐसा ही किया है, तो देख लेते हैं। पीछे से दूसरा कौन सा नंबर है बेटा, चार नंबर, देखो चार नंबर उठा लिया। फिर एक छोड़ के कौन सा है, लव छोड़ के आई है, मतलब एक नंबर है। जी हाँ, बिल्कुल वही काम हो रहा है। फिर वेरी मतलब पहले स्थान पे जो है पाँच नंबर, फिर माई तीन नंबर, फिर दो नंबर और फिर छः नंबर, मतलब एकदम डिक्टो वही काम हो रहा है। ठीक है, अब हमें मालूम चल गया कि हमें क्या करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा स्टेप नंबर तीन क्या होगा, तो मुझे मालूम है कि आप लोग को मालूम है कि क्या होगा। आप सीधे सीधे कौन सा नंबर उठाएंगे बेटा, दो नंबर, फिर एक छोड़ के कौन सा नंबर उठाएंगे, पाँच नंबर, फिर आप चार नंबर, एक नंबर, तीन नंबर और छः नंबर। बोलो यही आया होगा सबका। स्टेप नंबर चार पे अगर हम जाएं तो किसको उठाएंगे, पीछे से तीन नंबर को उठाइए, फिर एक स्थान छोड़ के उठाइए किसको, चार नंबर को, फिर दो लिखिए, फिर पाँच लिखिए, फिर एक लिखिए और फिर छः लिखिए। अगर मैं स्टेप नंबर पाँच पे जाऊँ तो आप पाँचवें वाले स्टेप का नंबर बताइए क्या होगा। पीछे से एक को उठाइए, फिर एक छोड़ के दूसरे को उठाइए, दो, फिर जो बच गया तीन, चार, पाँच, छः। और ज़रा अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्टेप नंबर पाँच है वो किसके बराबर आ रहा है बेटा, इनपुट के बराबर आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनपुट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए जल्दी से देख के बताइए। ये हमारा जो स्टेप नंबर पाँच है वो सेम इनपुट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये बात समझ में आई कि नहीं आई। गुड इवनिंग राजवीर जी, शिवांश तिवारी जी, जी हाँ इट इज सी से देन एस। मितेंद्र कुमार जी, स्टेप फाइव के बाद स्टेप टू और सॉल्व करने में, मतलब स्टेप सेवन इज इक्वल टू स्टेप नंबर टू। हेलो करिश्मा, हाउ आर यू। सोनाली मिश्रा जी, समझ में आ रहा है बेटा। चलिए जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं ना उनसे रिक्वेस्ट ये है कि जैसे लाइव को लाइक का बटन जो है ना उसको दबा दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है। इतनी बीमारी में, इतना बीमार होने के बावजूद भी सिर्फ आप लोग का प्यार है, आप लोग की मोहब्बत है जो आपको पढ़ाया जा रहा है, तो उस प्यार मोहब्बत को आप कैसे दिखा सकते हैं। मैं तो पढ़ा के दिखा रहा हूँ, आप अंगूठा लगा के, अंगूठा का मतलब लाइक का बटन दबा के आप दिखा सकते हैं हाउ मच यू लाइक अस या हाउ मच यू लाइक मी, ठीक है, या हाउ मच यू लाइक रीजनिंग, ठीक है, वॉट एवर जो भी आप पसंद करते हैं आप लाइक का बटन दबा सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा अगर आपको प्यार अपना दिखाना है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग हो सकता है पेड पढ़ाते हो, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको कोई पेड कोर्स नहीं देने वाला। पूरे लॉकडाउन जितना भी टाइम है मैं आपको ऑनलाइन फ्री में ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, ऑनलाइन फ्री में पढ़ाऊंगा। जिन बच्चों को कंप्लीट टॉपिक पढ़ना होगा वो मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे पेड आएंगे, वरना रीजनिंग में इसी चैनल पे आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई पैसा नहीं है, यहाँ पे यूट्यूब पे सब कुछ फ्री रहेगा, ठीक है। अब बाकी लोग को करने दो जो करना है। चलिए बिल्कुल, आप जॉब लेकर भी दिखाएंगे, बिल्कुल जिस दिन आप जॉब ले लेंगे उस दिन दावत मेरी तरफ से। तो ये बात समझ में आई, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ पे हमने इनपुट की नंबरिंग कर दी थी 1 2 3 4 5 6, छः स्टेप का, तो हमने छः नंबरिंग की। और आपने देखा सबसे पहले ये दो स्टेप तो एग्जामिनर ने खुद आपको दिया था, बाकी स्टेप हमें निकालने थे,
तो हमने देखा कि सेकंड स्टेप इन्होंने सबसे पहले पीछे से दूसरे वाले को उठाया, उठा के यहाँ रख दिया, फिर उसके बाद एक छोड़ के अगले को उठाया, यहाँ रख दिया, जो बच गए 1 2 4 6 ये लिख दिया। आपने देखा फिर से उन्होंने यही काम किया, पीछे से इंडिया को उठाया आगे लिख दिया, फिर एक छोड़ के आई को उठाया आगे लिख दिया, फिर वेरी बच गया, माई बच गया, लव बच गया, मच बच गया। बस हमने भी यही काम किया, बस हमने नंबरिंग में कर दिया है, जिससे नंबरिंग में करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हमने भी क्या किया बेटा, पीछे से 2 नंबर को उठाया, फिर एक छोड़ के 5 को उठाया, फिर 4 1 3 6 लिख दिया, फिर पीछे से हमने 3 को उठाया आगे लिखा, फिर एक छोड़ के 4 को उठाया आगे लिखा, 2 5 1 6, फिर हमने पीछे से दूसरे को उठाया 1, फिर एक छोड़ के 2 3 4, और हमने देखा कि ये वाला स्टेप तो इनपुट के बराबर आ गया। अभी मैंने आपको सिखाया था कि जब इनपुट, अब देखो स्टेप नंबर 4 इनपुट के 8 इनपुट के बराबर था, तो हमने किससे डिवाइड किया था बेटा, 4 से डिवाइड किया था, और जो रिमाइंडर आया था वही स्टेप हो गया था, वही वाला स्टेप हमारा आंसर है। अब इस सवाल में हमें स्टेप नंबर 7 निकालना है, और हमें मालूम है कि इनपुट जो है वो किसके बराबर है, स्टेप नंबर 5 के बराबर है, तो सीधा सीधा आप 7 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, और जब आप 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, शेषफल कितना बचेगा, 2। इसका मतलब जो स्टेप नंबर 2 है वही हमारा स्टेप नंबर 7 हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, स्टेप नंबर 2 जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, अब स्टेप नंबर 2 की नंबरिंग कर लीजिए, यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है, यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है बेटा, तो इनपुट की नंबरिंग क्या है, इनपुट की नंबरिंग क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे इनपुट की नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। हमें स्टेप नंबर क्या निकालना है, 2 निकालना है। स्टेप नंबर 2 की नंबरिंग क्या है, स्टेप नंबर 2 की नंबरिंग क्या है, 4 1 5 3 2 6, 4 1 5 3 2 6। 4 का मतलब यहां पे क्या है, देन, 1 का मतलब क्या है, सी, 5 का मतलब क्या है, इट, 3 का मतलब क्या है, नो, 2 का मतलब क्या है, से, 6 का मतलब क्या है, यस, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, देन से, इट से, नो। जी हाँ रावत जी बिल्कुल आएगी, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से मुझे सब लोग कमेंट करके बताओ बेटा, लाइक करके 50 के ऊपर पहुंचा दीजिए सब लोग। समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से बताइए। प्रांसी जी हाँ, इशिता सिंह डेली क्लास होती है और डेली होती है। अभी मैं आप लोग को बता दूं, एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है वो मैं दे देता हूँ, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये है कि रात के 11 बजे अनअकैडमी यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पे, अभी रात के 11 बजे, आज ही रात के 11 बजे अनअकैडमी यूपी एग्जाम, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, इसमें मैं एक टॉपिक लेके आऊँगा नंबर सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज की प्रैक्टिस कराऊँगा रात के 11 बजे, आज रात के 11 बजे ये हमारा चैनल है अनअकैडमी यूपी एग्जाम, इसी यूट्यूब चैनल पे ही, बस दूसरा चैनल होगा, वहाँ पर हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे रात के 11 बजे नंबर सीरीज, क्लियर है। ठीक है, आप सब लोग आओगे कि नहीं आओगे, आप सबको आना है, ठीक है, रात के 11 बजे। अब मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाल दूंगा, आप सबको आना है, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, और आप सबको आना है 11 बजे, ठीक है, रात के, नंबर सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा देर नहीं पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे, ठीक है, रात के 11 बजे ये चैनल है, मैं फिर भी लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, सबको आना है, तैयार हो।
चलिए, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया। अब जरा इसी सवाल पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया, यदि स्टेप नंबर चार दिया है, यदि स्टेप नंबर चार दिया है लाइक मी और नॉट इट ऑन दो, ठीक है, तो आपसे पूछ लिया फाइंड इनपुट। अब आपसे इनपुट पूछ लिया, सवाल दे दिया कि यदि स्टेप नंबर चार ये दिया हुआ है तो इनपुट क्या होगा। क्वेश्चन वही है, आप देखिए उस इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि आपको एक अलग से स्टेप नंबर, अभी पिछले सवाल में क्या हुआ था, इनपुट देकर आपसे स्टेप नंबर सेवन पूछा था, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, स्टेप नंबर चार देकर आपसे इनपुट पूछ रहा है कि इनपुट क्या होगा। ठीक है बेटा, कैसे बताओगे आप, स्टेप नंबर चार देकर आपसे इनपुट पूछ लिया, तो बेटा आप सीधे सीधे क्या करिए, स्टेप नंबर चार देखिए अपने क्वेश्चन का। आपने स्टेप नंबर चार की नंबरिंग देख ली, क्या नंबरिंग है बेटा स्टेप नंबर चार की, स्टेप नंबर चार की नंबरिंग आपने देखा 3 4 2 5 1 6, बस आप यही नंबर इसके ऊपर लगा दीजिए 3 4 2 5 1 6। भाई हमने क्या देखा, स्टेप नंबर चार की नंबरिंग देखी 3 4 2 5 1 6, बस यही स्टेप नंबर चार की नंबरिंग इसके ऊपर लगा दिया मैंने। अगर बाई चांस ये स्टेप नंबर तीन दिया होता तो हम स्टेप नंबर तीन की नंबरिंग लगा देते, अगर ये स्टेप नंबर पांच दिया होता तब तो खैर इनपुट ही होता, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो हमें स्टेप नंबर चार दिया है तो हमने स्टेप नंबर चार की जो नंबरिंग थी वो लगा दिया। अब हमसे इनपुट पूछ रहा है, हमें इनपुट की नंबरिंग मालूम है 1 2 3 4 5 6, इनपुट की नंबरिंग क्या है 1 2 3 4 5 6, तो नंबर एक पे देखो क्या है इफ है तो हमने इफ लिख लिया, नंबर दो पे क्या है और है तो हमने और लिख लिया, नंबर तीन पे क्या है लाइक है तो हमने लाइक लिख लिया, नंबर चार पे क्या है मी है तो मी लिख लिया, पांच पे क्या है नॉट है तो नॉट लिख लिया, छह पे क्या है ऑन है तो ऑन लिख लिया, यही आपका क्या हो गया इनपुट हो गया। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। जी हाँ शिवानी राज, हिमांशु मिश्रा मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या, हेलो आवाज आ नहीं रही है क्या, बेटा मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम है जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। हिमांशु क्लियर है बेटा, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से मुझे ईमानदारी से बताओ कि अभी तक जितनी चीज़ें आपको बताई गई वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और आगे आपको ले चलते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं, इनपुट दिया गया इफ ही से नो मीन्स यस, इफ ही से नो इट मीन्स यस। ठीक, स्टेप वन दिया, स्टेप वन दिया इट से यस इफ
means he no. ध्यान से समझना. स्टेप नंबर टू दिया नो ही मीन्स इफ यस से इट. स्टेप नंबर तीन दिया यस मीन्स इट नो से ही इफ. चार दिया इफ ही लिख तो नहीं रहे हो आप लोग. एक बार मुझे लिख लेने दो फिर लिखना. स्टेप नंबर टू है मींस यस नो इट ही से इफ सो ऑन. इसी का मैंने पूछ लिया फाइंड स्टेप नंबर सिक्स. चलिए छठा स्टेप बताइए इसका. छठा स्टेप बताइए. चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा. स्टेप नंबर सिक्स क्या होगा. सुरेंद्र प्रेमी जी पहुंचेंगे बेटा. अभी हमने बेसिक स्ट्रक्चर पे बात किया है, हार्ड पे भी पहुंचेंगे, चिंता मत करो. बताइए स्टेप नंबर सिक्स क्या होगा. ध्यान से देखते हैं स्टेप नंबर सिक्स क्या होगा. देखो अगर सबसे पहले मैंने आपको क्या तरीका बताया, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं. इनपुट की नंबरिंग कर लिया 1 2 3 4 5 6 7. ठीक. अब ध्यान से देखो कि स्टेप नंबर वन में क्या हुआ है और जो स्टेप नंबर वन में हुआ वही स्टेप नंबर टू में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना है. स्टेप नंबर वन में आपने देखा पांचवा वाला नंबर सबसे पहले आ गया ये, फिर तीसरा वाला नंबर आ गया ठीक, फिर सातवां वाला नंबर आ गया ठीक, फिर पहला वाला नंबर आ गया ठीक, फिर छठा वाला नंबर आ गया ठीक, फिर दूसरा वाला नंबर आ गया ठीक, फिर चौथा वाला नंबर आ गया. अगर आप देखो तो ये बीच वाला नंबर है, इसके तीन इधर हैं और इसके तीन इधर हैं, है कि नहीं है भाई. चार बीच वाला नंबर है, चार के इधर 5 6 7, चार के इधर 3 2 1. सबसे पहले किसको लिखा गया, 5,
फिर चार के इधर वाला लिखा गया तीन, फिर सबसे पहले इधर वाला लिखा गया सात, फिर चार के सबसे इधर वाला लिखा गया वन, फिर चार से छठा वाला लिखा गया दो स्थान छोड़ के, फिर चार से दूसरा वाला बीच वाले को बीच में। इसी तरीके से जैसे अब बीच में कौन सा नंबर है, इफ बीच में यही तो है, तो इफ के बगल में कौन है छह नंबर, देखो छह आ गया। फिर इफ के इस साइड कौन है यस, यस मतलब सात नंबर। फिर देखो इफ से आखिरी में कौन है, नो है तो चार नंबर। फिर इफ के इधर देखो सबसे आखिरी में कौन है, पांच नंबर। फिर इफ के इधर देखो दूसरे नंबर पे कौन है, ही है। फिर इफ के इधर देखो यहां पे कौन बचा, तीन है। फिर इफ पहला बीच वाला नंबर है, इसको वन लिख दिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। कोई कह रहा था सर हार्ड क्वेश्चन लगाइए, कोई कह रहा था हार्ड क्वेश्चन लगाइए। अब स्टेप नंबर तीन पे आते हैं। स्टेप नंबर तीन पे पहले देखो कि बीच में कौन है, बीच में कौन है बेटा, इट है, तीन इधर तीन इधर। अब इट के ठीक बगल में कौन सा नंबर है, दो नंबर, तो हमने दो लिख लिया। और इट के ठीक इधर के नंबर है चार नंबर, तो हमने चार लिख लिया। फिर इट के इधर देखो सबसे आखिरी में क्या नंबर है, वन नंबर, तो हमने वन लिख लिया। फिर इट के इधर देखो सबसे आखिरी में कौन है, छह नंबर, तो हमने छह लिख लिया। फिर इट से देखो दूसरे नंबर पे कौन है, तीन नंबर, तो हमने तीन लिख लिया। इट के इधर देखो दूसरे नंबर पे कौन है, सेवन है, सेवन लिख लिया। इट बीच वाला है तो बीच वाले को इधर लिख लिया। ठीक इसी प्रकार स्टेप नंबर चार में आइए। अब देखिए बीच में कौन है, बीच में छह नंबर है। छह के ठीक इधर कौन है, तीन नंबर, तीन लिख लिया। छह के ठीक इधर कौन है, वन नंबर, तो वन लिख लिया। फिर छह से ठीक आखिरी में कौन है, पांच नंबर, इधर लिख लिया। फिर छह से इधर आखिरी में कौन है, दो नंबर, तो दो नंबर लिख लिया। फिर छह से देखो सेकंड नंबर पे कौन है, सेवन नंबर, इधर देखो कौन है, चार नंबर। बच गया कौन, छह बीच वाला, इसको इधर लिख लिया। हमें छठा स्टेप बताना है तो पहले पांचवें स्टेप पे चलिए। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी मुझे कमेंट करके बता दो सब लोग। चलिए पांचवा स्टेप अगर देखें तो क्या होगा। अब जरा बीच वाला नंबर कौन सा है, बीच वाला नंबर दो है, तो दो के ठीक इधर कौन है, सात नंबर, तो हमने सात लिख लिया। दो के ठीक इधर कौन है, पांच नंबर, तो हमने पांच लिख लिया। फिर दो के इधर आखिरी में कौन है, छह नंबर, तो हमने छह लिख लिया। फिर दो के ठीक इधर कौन है, तीन नंबर, तो हमने तीन लिख लिया। फिर दो के इधर कौन बचा, चार बचा, चार लिखो। दो के इधर कौन बचा वन लिखो। बीच में कौन है, दो, तो लिखो। आई बात समझ में। अगर हमें छठा स्टेप बताना था, छठा स्टेप निकालिए इन तीनों में, इसमें बीच में कौन है, तीन है। तीन के ठीक इधर कौन है, चार, तो चार लिखिए। तीन के ठीक इधर कौन है, छः, तो छः लिख लिया। तीन के ठीक आखिरी में कौन है, दो, तो दो लिखिए। तीन के ठीक इधर आखिरी में कौन है, सेवन, तो सेवन लिखिए। तीन के इधर कौन बचा, वन, वन लिखिए। तीन के इधर कौन बचा, फाइव, फाइव लिखिए। फिर बच कौन गया, तीन लिखिए। यही तो हमारा स्टेप नंबर सिक्स है बेटा। ठीक, अब अगर मान लो मुझसे स्टेप नंबर सेवन पूछ लेता, अगर मान लो आपसे स्टेप नंबर सेवन पूछ लेता, सातवां स्टेप क्या होता, तो अब जरा बीच में देखो कौन है, सेवन है कि नहीं। सेवन के ठीक इधर कौन है, वन। सेवन के ठीक इधर कौन है, टू। फिर सेवन से इधर आखिरी में कौन है, थ्री। सेवन के इधर आखिरी में कौन है, फोर। फिर सेवन के इधर सेकेंड नंबर पर कौन है, फाइव। सेवन के इधर सेकेंड नंबर पे कौन है, सिक्स। बीच में कौन है, सेवन। और आप देखेंगे स्टेप नंबर सेवन जो है वो किसके बराबर है, इनपुट के बराबर है। बोलो मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। स्टेप नंबर सेवन जो है वो क्या है, इनपुट के बराबर है। कभी कभी आपसे सवाल पूछेगा कौन सा स्टेप इनपुट के बराबर होता है। जी हाँ, अजीत कुमार कश्यप जी, पांच मिस हो गया। क्रांति सर, स्टेप से सवाल क्या संबंध है। करिश्मा सोनाली, सबको क्लियर हुआ। चलिए स्टेप नंबर छह गलत है अजय। रिया श्रीवास्तव, सैराम सोनवाने, रिया श्रीवास्तव, सब लोग। जय सिंह, रोज शर्मा, सबको क्लियर है। चलिए हो, तो ये आपके कुछ बेसिक ट्रिक रहे इनपुट एंडिंग मॉडल, नॉन एंडिंग मॉडल के।
जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग इस पे भी बात करने वाले हैं, एंडिंग मॉडल पे। तो आज तो समय हो गया है और थोड़ी तबीयत भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं आपको उतना ही पढ़ा पाऊँगा जितना मेरे लिए एबिलिटी रहेगी। फिर क्योंकि आपको रात में 11 बजे भी पढ़ाना है, तो रात के 11 बजे मैं फिर आऊँगा आपको पढ़ाने। मैं फिर से आपको कल रात में 9:30 बजे जब हम मिलेंगे, कल रात में जब 9:30 बजे मिलेंगे, तो हम एंडिंग मॉडल पर बात करेंगे। आज मैं आपको बता दूँ कि ये टाइमिंग पे 11 बजे हम लोग आएंगे, नंबर सीरीज़ पढ़ेंगे इस चैनल पे, अन अकेडमी यूपी एग्जाम हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर हम लोग आज नंबर सीरीज़ पढ़ेंगे। और जितने लोग यहाँ पे आए थे उनसे ज़्यादा लोगों से मुझे उम्मीद है कि नंबर सीरीज़ पढ़ने आएंगे, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, ये क्लास आपने पढ़ ली, अगर इस क्लास को आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेटा मेरे प्यार में रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, कि लॉकडाउन में जो लोग घर पे हैं सबको ये वीडियो मिले और सब लोग पढ़ें और सब लोग कुछ ना कुछ सीखें बेटा। ठीक है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज ये वाली क्लास यहीं पे ओवर करूँगा, कल मैं आपको एंडिंग मॉडल से शुरू करूँगा। और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, समझ में आई है तो एक बार दबा के लाइक करिए, और जो लोग एक बार लाइक कर चुके हैं वो दोबारा लाइक मत करें प्लीज़, जो कर चुके हैं वो करे रहें, जो नहीं किए हैं वो लाइक कर दें, और जितने भी लोग शेयर किए हैं दोबारा शेयर कर दें, 3 बार शेयर करें। कल रात तक टाइम है, कम से कम 24 घंटे में 12 बार तो शेयर कर ही दिया करो। ठीक है, ग्रुप में हर जगह कि लोग पढ़ पाए इस चीज़ को। 11 बजे फिर मिलूँगा आपसे नंबर सीरीज लेकर। ठीक है बेटा, थैंक यू, लव यू, ऑल द बेस्ट। एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट ही मेरी दवा है कि क्लास कैसी लगी, ज़बरदस्त तरीके से बता दीजिए बेटा। जी हाँ, जय सिंह बता दिया है ये चैनल जो लिखा है मैंने, अन अकेडमी यूपी एग्जाम चैनल पे। ओके सोनाली, श्योर। सुरेंद्र प्रेमी, थैंक यू, थैंक यू। मनीषा कपूर, थैंक यू। मितेंद्र, काढ़ा भी पी लीजिएगा। अरे अब रात में काढ़ा कहाँ पीऊँगा, पी लूँगा बेटा। अजय यादव, वन लाइफ क्लास है ये। प्रांसित, थैंक यू प्रांसित, थैंक यू। सोनाली, अजय, सुरेंद्र प्रेमी, श्योर श्योर, सबको आना है 11 बजे। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दें, सबको 11 बजे आना है। ओके, ओ माय गॉड, अजय यादव, प्लीज़ टेक केयर यार, प्लीज़ टेक केयर। ओके सुरेंद्र, श्योर। अनमोल कुमार, वेलकम बेटा, वेलकम। जो लोग लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दें बेटा सब लोग। ओके सुरेन, थैंक यू सुरेन, बेइज्जती तो नहीं हो रही है। श्योर सोनाली, श्योर, आई विल वेट। हाँ मित्र अजय यादव, अजय यादव ध्यान रखो, पापा ठीक हो जाएंगे बेटा, चिंता मत करो, दूर रहो, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो। हाँ 11 बजे अनमोल, तुम भी ख्याल रखो मितेंद्र। चलिए थैंक यू बेटा, क्लास ओवर करते हैं, ठीक है।